अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो टंग के हिस्टोलॉजिकल फीचर से मैं वो समझाऊंगा, तो होता क्या टंग का। उन्हें सबसे पहले हम ये बड़ा वाला पढ़ लेते हैं। इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है जो ये यहाँ पे ना, ये है सल्कस टर्मिनलिस या टर्मिनल सल्कस। इससे आगे को ये जितना भी ये जो सारा रीजन है, ये एंटीरियर टू थर्ड होता है, और जिससे पीछे को होता है ये पोस्टीरियर वन थर्ड होता है। ये बेसिकली बाउंड्री होती है जो टंग की, जो डॉर्सल सर्फेस पर एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर वन थर्ड को सेपरेट करी होती है। तो ये सल्कस टर्मिनलिस है, और उसके आगे जो बड़े बड़े से हैं ये है सर्कम वैलेट पेपिला जो सबसे बड़े होते हैं। फिर उसके बाद ये जो पॉइंटी साइड स्पाइस स्पाइस नज़र आ रहे हैं, दीज आर योर फिलीफॉर्म पेपिला। और उसके बाद जो ये वाले हैं ये आपके थोड़ा मशरूम शेप जो है, ये है फंगी फॉर्म पेपिला। तो सर्कम वैलेट पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला और फंगी फॉर्म पेपिला। होता क्या है, फोलिएट पेपिला जो है, फोलिएट पेपिला वो उन्होंने ये दिखाए हैं। दीज आर योर फोलिएट पेपिला। फोलिएट पेपिला बेसिकली जो टंग होती है ना, टंग की जो बिल्कुल लेटरल सर्फेसिस होती है, जो ये जो बिल्कुल लेटरली होती है ना टंग की, वहाँ पे फोलिएट पेपिला होते हैं। उसके अलावा जो टंग की एंटीरियर सर्फेस होती है, वहाँ पे सारे ये इस तरह करके फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म पेपिला स्कैटर्ड हुए होते हैं। फिलीफॉर्म सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन याद रखना कि जो फिलीफॉर्म पेपिले हैं उनमें टेस्ट पोर्स नहीं होते, उनके अंदर टेस्ट बड्स नहीं होती। जो टेस्ट की सेंसेशन हैं वो फंगीफॉर्म, सर्कमवेलेट और फोलिएट पेपिला के थ्रू ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं, फिलीफॉर्म के थ्रू नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो सर्कमवेलेट हैं ये 8 to 12 नंबर होते हैं, बिल्कुल सर्कस टर्मिनलिस के एंटीरियरली होते हैं, और ये वी शेप मतलब यू वी की उसमें सीक्वेंस में होते हैं। अब यहाँ जो उन्होंने थोड़ी हिस्टोलॉजी दिखाई हुई, ये उन्होंने दिखाई हुआ है कि ये जिस तरह ये है फंगी फॉर्म पेपिला, ये मशरूम शेप्ड है, इसका उन्होंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो टेस्ट बड्स हैं, टेस्ट बड्स के साथ जो है ये नर्व कनेक्ट हुई थी। दिस इज़ योर लिंगुअल नर्व, लिंगुअल नर्व आगे जाके बनाती क्वार्टर टिम्पैनी, और क्वार्टर टिम्पैनी इज नर्व इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो ये क्या कहते हैं, उन्होंने इसका दिखाया हुआ है, ये सारा सब म्यूकोसा है। और सॉरी, ये क्या कहते हैं, लैमिना प्रोपिया में दिखाया हुआ है, ये क्या कहते हैं आपकी है क्वार्टर टिम्पैनी नर्व। क्वार्टर टिम्पैनी से लिंगुअल नर्व बन रही है, ये टेस्ट बड्स हैं। यहाँ पे ये जो ग्लैंड्स दिखाए हुए हैं ये है वॉन एबनर ग्लैंड्स, जो कि बिल्कुल फंगीफॉर्म पेपिला के बिल्कुल नीचे होती हैं। वॉन एबनर ग्लैंड्स नीचे ये आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा है सारा। उसी के साथ साथ जो ये वाले हैं जो फोलिएट पेपिला हैं, फोलिएट पेपिला में भी इन्होंने ये वही चीज़ दिखाई हुई है कि यहाँ पे भी वॉन एबनर कुछ बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर फंगीफॉर्म पेपिला के साथ होते हैं, लेकिन फोलिएट पेपिला के साथ भी ये वॉन एबनर ग्लैंड्स हैं। ये टेस्ट बड्स हैं, टेस्ट पोर्स हैं, और साथ में ये जो है क्वार्टर टिम्पैनी नर्व और लिंगुअल नर्व है। उसके बाद फिर जो बल्कि ये वाले ना, इसमें इसको मैं कैसे रखूँ, इसमें बेसिकली उन्होंने ये दिखाया हुआ, जो इस वाले की बात करें जहाँ मेरा हाथ है, इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये टेस्ट में जो टेस्ट पेपिला है उनको फर्दर दिखाया हुआ है। यहाँ पे पोर है, टेस्ट पोर के नीचे यहाँ पे सारी माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। और माइक्रो होता क्या, अगर आप लोगों ने मेरी फिजियोलॉजी की टेस्ट वाली वीडियो देखी हो, वो जो टेस्ट की जो सेंसेशंस होती हैं, जो सॉल्टी सावर स्वीट जो भी होती हैं, उनमें जो आयंस होते हैं ना, वो यहाँ पे इन माइक्रोविलाइज के थ्रू यहाँ पे उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर्स के थ्रू वो एंटर होते हैं। और यहाँ पे नीचे को जो ये वाले सेल्स हैं ये बेसल स्टेम सेल्स हैं, ये वाले ये बेसल सेल्स हैं जो ये हैं। ऊपर को आपके सस्टेंटरी को सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, और गस्टेटरी सेल्स होते हैं जिनके साथ नर्व अटैच हुई भी ना, जिस तरह ये ब्लू वाला है, ये गस्टेटरी सेल है जो कि टेस्ट सेल है, जो कि आगे फिर जिससे सेंसेशन आके डिटेक्ट होंगी वो ये लिंगुअल नर्व के दिखाएंगे। और जो गस्टेटरी सेल के साथ जो सेल्स हैं ये है सस्टेंटरी को सपोर्टिंग सेल्स। तो ये गस्टेटरी सेल हो गया, ये सपोर्टिंग सेल हो गया, ये बेसल सेल हो गए, ये आगे फिर वही लिंगुअल नर्व है। लिंगुअल नर्व पीछे जाके देखिए क्वार्टर टिम्पैनी, क्वार्टर टिम्पैनी नर्व इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। उसके अलावा इस मॉडल में, और अगर हम यहाँ पे ये टंग का, ऐसी टंग का ही दिखाया हुआ है कि ये एंटीरियर टू थर्ड है, ये सर्कम वैलेट पेपिले, पीछे को आपके ये कहते हैं काफ़ी ये जो हैं काफ़ी लिंगुअल टॉन्सिल्स भी होते हैं पीछे को, ये यहाँ पे जो दिखाए हुए लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं आई बिलीव। और ये पीछे को फिर ये कहते हैं इसमें बस यही है, ये एंटीरियर टू थर्ड है, ये वो क्या कहते हैं एंटीरियर टू थर्ड है, ये पोस्टीरियर वन थर्ड है, यहाँ पे सर्कम वैलेट पेपिले हैं, और यहाँ पे ये जो हैं ये सारे फोलिएट पेपिले हैं, और इसमें आपके फिलीफॉर्म और ये कुछ जो नज़र आ रहे हैं सर्कल से, ये फंकी फॉर्म पेपिले जो कि मशरूम शेप में। दीज आर योर, इसमें मैं क्या कहते हैं, आई थिंक दीज आर योर लिंगुअल टॉन्सिल्स, आई एम प्रीटी श्योर ये जो हैं ये आपके लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बाकी इसमें इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि अगेन ये जो सारे हैं ये म्यूकस ग्लैंड हैं, और जो ये एपिथीलियम में जो म्यूकोसा होता है, जो एपिथीलियम में टंग का ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड। उसी के साथ जो यहाँ पे ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं, और ये लिम्फ के सेल्स प्रेजेंट हैं, लिम्फॉइड सेल्स यहाँ पे सारे प्रेजेंट हैं। नीचे आपको वही मस्कुलरिस क्या कहते हैं मसल्स प्रेजेंट हैं, स्मूथ मसल्स। इसमें बस ये म्यूकस ग्लैंड्स, ये क्रिप्ट्स हैं, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम है, और ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स हैं। सो दैट वाज इट, आई होप कि इजीली समझ में आ गया। उसका बस ये याद रखना कि जो सेंसरी ये जो लिंगुअल नर्व है ना, लिंगुअल नर्व आपकी सेंसरी इनर्वेशन लेके जाती है, जो मोटर इनर्वेशन आती है वो आती है
थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व, जो इनकी टंग में जो मोटर इनर्वेशन लाती है वो हाइपोग्लॉसल नर्व लाती है, जो क्रैनियल नर्व नंबर 12 जो कि उसकी मसल्स की मूवमेंट प्रोवाइड करती है, सिर्फ वो पैलेटोग्लॉसल्स को नहीं सप्लाई करती, बाकी वो जितनी भी उसके 7 मसल्स हैं 8 में से, जिसमें आपकी क्या कहते हैं जीनियोग्लॉसिस, स्टाइलोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस आ गए जो एक्सट्रिंसिक थे, और इंट्रिंसिक में आपके सुपरफिशियल, सुपीरियर और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल, ये मसल्स होते हैं टंग की, इनको ये मोटर सप्लाई देती है हाइपोग्लॉसल नर्व, जो टेस्ट की सेंसेशन है ये लेके जाती है लिंगुअल नर्व। सो दैट वाज इट, आई होप इजीली समझ में आ गया, एंड थैंक यू।